पूरा सिर कटने के बाद में भी उन्होंने अपने दोनों हाथों से सेना पे वार किए हैं। हाथी भी मतलब बड़ा हो गया कि गेट छोटा हो गया, जैसे आपके गढ़ को तो आपको ही बचाना पड़ेगा, ये नहीं है कि आपको पास वाला आके कुछ करेगा। बांदर सेना आई तो उन्होंने पूरी बाहर वाली सेना को यहाँ से लड़ के युद्ध करके, बालाजी बहुत कृपा है। राम राम साहब, हमारा नाम है दीप, थे सब देख रहे हो झलको राजस्थान। और अबार आपा हाँ, जो संगमरमर नगरी है यानी कि मार्बल सिटी मकराना, व्यू लगभग 7 किलोमीटर दूर बोरावड़ का मायने। तो आज आपा बोरावड़ को जो गढ़ ये कहानी जान सा, अपने साथ में अजय सिंह जी है। लगभग कितना साल पुरानो गढ़ है? 400 साल पुराना। राजा कौन हुआ करता? राजा मतलब बोरावड़ की 7 पीढ़ी मतलब भी है, ये 7वीं पीढ़ी चल रही है अभी, जिसमें अमर सिंह जी, केसर सिंह जी, रंजीत सिंह जी, रघुराज सिंह जी और मेरे फादर देवराज सिंह जी है अभी। जहाँ हर कोई भी गढ़ हुआ करे, अभी के पीछे कहानी हुआ करे, बोरावड़गढ़ की कहीं कहानी है? बोरावड़गढ़ की कहानी ये है कि अपने यहाँ बोरावड़ के अंदर बालाजी मंदिर है, बागवाला बालाजी मंदिर बोलते हैं जिसको। तो अमर सिंह जी के फादर जो मतलब बालाजी के भक्त थे काफी बड़े, तो यहाँ क्या हमला हुआ, जैसे गए गढ़ों पे पहले कब्जा करते थे बाहर के लोग आके, कि सेना वेना लेके, सेना ने उनको जाके कहा कि आपका गढ़ पे हमला होने वाला है तो अब क्या किया जाए। उन्होंने अपनी बालाजी की भक्ति में इतना लीन थे वो, कि उन्होंने किसी सेना को कुछ भी जवाब नहीं दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपनी भक्ति में ही मगन रहे। गढ़ के चारों तरफ बाहर वाली सेना लग चुकी थी कि भाई अपन को हमला करना है गढ़ के ऊपर। लोगों ने देखा है कि मतलब ठाकुर साहब तो इतना वो भक्ति में मतलब व्यस्त हो रहे हैं कि कोई ध्यान ही नहीं गढ़ पे। और देखा तो मतलब सबको ये शौक हुआ कि मतलब बालाजी के इतने बड़े भक्त है कि आज बांदर सेना ने आके यहाँ युद्ध किया है। मतलब बांदर सेना आई तो उन्होंने पूरी बाहर वाली सेना को यहाँ से लड़ के युद्ध करके भगाया यहाँ से। सबको आश्चर्य हुआ कि ठाकुर साहब ने कोई हुक्म ही नहीं दिया और बांदर सेना आई कहाँ से, मतलब कुछ है कि बालाजी की भक्ति में भी उनका कुछ है कि आज देखो बांदर सेना ने मतलब गढ़ को बचाया है यहाँ पे। एक्सपायर होने से पहले उन्होंने, उनकी डेथ होने के पहले उन्होंने ये कहा कि जब मैं मतलब एक्सपायर ख़त्म हूँ, अगर मेरी डेथ होती है तो मेरे जहाँ भी मैं बैठूँ, जहाँ भी सोऊँ, मैं एक्सपायर होता हूँ अगर, तो मेरे सिराने के नीचे से कुछ मिलेगा आपको। तो सबने उनके मृत्यु के बाद में उनके देखा गया कि भाई क्या है 4 फीट हाथ पे नीचे, तो एक छोटी सी बालाजी की मूर्ति निकली। उसके बाद में ये अपना बालाजी बाग है अपना बोरावड़ के अंदर ही, मतलब गढ़ के साथ साथ ही बना हुआ मंदिर है वो, उसकी स्थापना हुई है वहाँ पे। राणाबाई जी को जो मंदिर है हरनावा के अंदर, बहुत फेमस प्रसिद्ध मंदिर है। बार बिकी भी कहानी कनेक्ट हुआ है, जुड़े है, तो वह कहानी बैठे क्या जुड़े है? बोरावड़ वाले जैसे मारवाड़ स्टेट के अंदर आते हैं, मारवाड़ का जब युद्ध होता था कहीं पर बाहर के, गुजरात युद्ध में, मतलब यहाँ से मेरे परदादा साहब के फादर पधारे थे मतलब युद्ध के लिए। आपको आपने नाम याद है बापू? अमर सिंह जी। तो जब युद्ध के लिए यहाँ से निकले तो यही था कि पहले हाथी घोड़ा यही निकलते थे मतलब युद्ध के लिए। तो यहाँ से गुजरात जाते टाइम राणाबाई साहब पोठे थाप रहे थे वहाँ बैठ के, तो उनसे क्या सब लोग पूछते थे उस टाइम कि आप कोई काम हो छोटा मोटा कुछ भी घर में, तो हम ये कर लें क्या, ये कर लें। तो उन्होंने दादा साहब ने ये कहा कि भाई मैं भी पूछता हूँ। तो बोला भाई जी मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मेरी फतेह होली या कोनी होली हमारी फतेह। तो उन्होंने ये कहा कि जीत के तो आ जाओगे पर मैं आशीर्वाद दूंगी आप। तो उन्होंने अपने दोनों हाथ मतलब जो गोबर से मतलब जो भरे हुए थे उन हाथों से उन्होंने आशीर्वाद दिया मतलब कंपीट पे। तो वो हाथ देखे गए वहाँ कि मतलब केसर का जो थापा होता है ना, जैसे केसर का थापा मानते हाथ का, वैसा थापा बन गया था उनके। गुजरात लड़े करे मौत का भी उन्होंने सामना किया, जो उनको वो वहाँ से हाथ नजर आया उनका, मतलब केसर का वहाँ बना हुआ वो हाथ नजर आया कि मेरे को वहाँ से आशीर्वाद मिला हुआ है, युद्ध जीत के भी आए यहाँ पे। और जैसे ही आप देखा होगा आपने, जैसे ही आप गढ़ के अंदर एंट्रेंस हुए मेन गेट से, तो इस गेट के अंदर हाथी भी मतलब बड़ा हो गया कि गेट छोटा हो गया जैसे। तो जो महावीर था उससे बोला दावसा ने कि ये हाथी अंदर क्यों नहीं जा रहा है, कि बोला ठाकुर साहब ये तो हाथी पीछे ले रहा है कदम, अंदर नहीं जाएगा ये तो। अब फिर उनको दिमाग में आया एकदम से वो कि भाई मेरे को वहाँ से मैं आशीर्वाद लिया मैंने, और वहाँ मैंने राणाबाई जी से वचन लिया था कि युद्ध जीत के आऊँगा तो मैं आपका आशीर्वाद वापस लेने आऊँगा। तो फिर यहाँ से वापस से आशीर्वाद लेने पधारे राणाबाई साहब के, अच्छे से आशीर्वाद दिया और वापस से वो हाथी गढ़ के अंदर आराम से एंटर हुए हैं। और कहीं खासियत रही है अपने गढ़ की? और खासियत ये अपने बोरावड़ जो सती माता का मंदिर है अपने बोरावड़ के अंदर, तो सती माता
जी का सती भी यही ली हुई उनकी। जो राणा भाई जी का जो मंदिर अभी बन रखे है अपना वे अमर सिंह जी, हाँ बाको पहले पर्चे हो या फिर बीम पहले भी राणा भाई जी कोई और ने भी इनको चमत्कार दिखा रहा। सबसे बड़ा चमत्कार बोराड वालों को दिखाया हुआ, बोराड वालों को भी दो बार चमत्कार दिखाया राणा अच्छा। भाई साहब ने दूसरों पर्चो का ही हो। दूसरा ये था कि हमने मारवाड़ स्टेट का युद्ध हुआ था, मतलब अपना तुंगा में अपने जयपुर से पास में है तुंगा, वहाँ युद्ध हुआ था। तो एक मारवाड़ स्टेट का युद्ध था कि भाई उसमें क्या सब ठिकाने वाले जो होते थे ठाकुर साहब वगैरह युद्ध के लिए निकलते थे यहाँ से। तो तुंगा में ये हुआ जब बख्तावर सिंह जी का ने उस टाइम युद्ध लड़ा था वहाँ। तो बख्तावर सिंह जी ने काफ़ी अच्छा युद्ध लड़ा वहाँ, मतलब सिर मतलब पूरा सिर कटने के बाद में भी उन्होंने अपने दोनों हाथों से सेना पे वार किए हैं और पूरा एक जैसे कहते हैं ना कि लास्ट वाला सेना जो था युद्ध वाला उसको लास्ट वाले को भी ख़त्म करके और फिर वो वहाँ उनके मृत्यु हुई थी वहाँ। तो आज भी उनका बख्तावर सिंह जी का वहाँ जहाँ उनका सिर कट के जहाँ गिरा था उनका, वहाँ आज भी उनका अच्छा मंदिर बना हुआ है तुंगा के अंदर। मंदिर है बागवाला बालाजी जाकि 12 का महीना आप जी कहानी का महीना बात सुनियो भी मंदिर में आप मौजूद हाँ और आप ये मंदिर के भी धन दर्शन भी करवा सा भी पहले अपना चैनल है बिना सब्सक्राइब कर लो और जो तो पुजारी जी है आप वहाँ से भी बात कर सा। बहुत बहुत स्वागत है ताको पुजारी जी झलको राजस्थान में। जय श्री राम। कत्तो साल पुराना मंदिर है? 400 साल पुराना मंदिर है, 1671। तो जी अंत बता रहे हैं कि मंदिर और जो किला को बीच में का ही संबंध है? को किला को मंदिर की नहीं किला की नहीं सात लगे पहले मंदिर लगा फिर किला की लगाई। आज तक जो भी बटे लड़ाई करी और करी तो पहले अट दर्शन कर पची मतलब ठाकुर लोग जाता विजय हो रहा था पाजा। बालाजी बहुत कृपा है, आस पास में खूब चारों मेर जन महाराष्ट्र अकोला वासिम कलकत्ता हैदराबाद बम्बई खूब बाहर यहाँ जहाजलुड़ा ले आवे लोग खूब आवे। अटोम मूर्ति गेड़ी बरवाली बरवाली बालाजी महाराज वो बहुत बड़ो स्थान है। आप एक नाम देखा तो बाग वाले बालाजी तो कई कारण है बाग पहले पूरी जमीन मंदिर की ही अट मतलब एक बाग ही हो पूरा उस बाग वाले बालाजी जी। दरवाजे का मायने में खड़े हूँ वही दरवाजा जी की बारे में आप बार कहानी में अजय सिंह जी बता रहे हैं। दरवाजा की जी की ऊंचाई है तो देख सको आराम से जो मायने हाथी है जो घास गए लेकिन वो एक राणा भाई जी जो माता जी है वहाँ कोई चमत्कार हो कि वो हाथी है जो पीछे उड़ वाला। वीडियो था ज्ञान को लगे कमेंट सेक्शन का मायने कमेंट कर जरूर बता दो और अभी तक अगर झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने ही जगह बेल आइकन है बिना भी दबा लो और अगर थका आस पास में कोई ज्ञान की कहानी है या इतिहास से जुड़ी या फिर कोई रोचक चीज है और ते चाहो कि मेरे झलको राजस्थान की टीम है जो कि कवर करे तो ते कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सको या फिर जो स्क्रीन के ऊपर थारे नंबर दिख रहा है आगे ऊपर भी थे बता सको हो। मत आको दोस्त दीप कैमरामैन चंपालाल के साथ जय हिंद जय राजस्थान।